काजोल के दो बच्चे हैं, बेटी नियासा और बेटा युग, जिनके साथ ये काफी अच्छी बॉन्डिंग रखती हैं। पर इन दोनों के अलावा ये अब तीसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक ये प्रेग्नेंट है और इनके इस प्रेगनेंसी की खबर पर जहां अब तक कई जनता तरह तरह के रिएक्शन दे चुकी है, वही अब इनकी बहनों के भी रिएक्शन सामने आए हैं, जहाँ पर इनकी बहन रानी मुखर्जी और तनिषा मुखर्जी ने काफी कुछ कहा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहले बात करें रानी मुखर्जी की, जिन्होंने 48 साल की उम्र में काजोल की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद नेगेटिव रिएक्शन दिया और कहा कि ये भी कोई उम्र है मां बनने की, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए काजोल को बच्चों पर, क्या असर पड़ेगा। मुझे तो काजोल से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो तो अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान रहती है, उनकी पढ़ाई, परवरिश, उनका बर्ताव सबका ध्यान देती है ताकि इनके बच्चे कहीं भटक न जाए, पर उसने ही ऐसा किया, भगवान ही जाने उसके दिल की। वहीं बात करें कि काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी ने क्या कहा है अपनी बहन की तीसरी प्रेगनेंसी पर, तो जब इन्होंने ये खबर सुनी कि इनकी बहन प्रेग्नेंट है तो ये काफी खुश हुई और कहा कि मैं तो हमेशा कहती थी कि एक और बेबी कर लो अच्छा रहेगा, पर काजोल दीदी सुनती ही नहीं थी, पर उन्होंने अब मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया, मैं तीसरी बार मासी बनूंगी, न्याज और युग को उनका एक और भाई या बहन मिलेगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। तो दोस्तों, आपका कहेंगे काजोल की प्रेगनेंसी को लेकर, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।